आज मैं दिखा रहा हूँ 4 BHK 4 वॉशरूम के साथ, अमेजिंग बिल्ड क्वालिटी है, बहुत बेहतरीन वर्कमैनशिप इस घर में आपको नजर आएगी और बिल्डर ने बहुत ही एफर्ट किया है वर्कमैनशिप में कि बिल्ड क्वालिटी में, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत खूबसूरत निकल के आया है, बहुत ब्यूटीफुल अमेजिंग लेआउट है और रूफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम इसके रूफ पे एंट्री कर रहे हैं। सामने की तरफ देखें तो आपको बुद्ध स्क्रिप्चर मिल रहा है, ये आपको पूरा टेरेस आर्टिफिशियल ग्रास के साथ, कुछ नेचुरल प्लांटर्स मिलते हैं आपको, बार काउंटर है। अगर आप देखें तो एक जगह आपको पूरा का पूरा ग्रे फ्लोरिंग नजर आएगी और आपकी हाफ आर्टिफिशियल ग्रीनरी और ऐसे ही हाफ यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रीनरी। ये है आपका परगोला, बहुत ही डिज़ाइनर, बहुत ही अमेजिंग फिनिशिंग दी गई है। लाइटिंग का बहुत अच्छा रोल प्ले हो रहा है इस रूफ पे, शाम का टाइम है, लाइट बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है। ये आपको पैंट्री मिलती है आपकी आपकी रूफ के साथ और ये आपको अगेन वॉशरूम, अभी इसमें सीट और वॉश बेसिन लगना बाकी है। और अगर लाइट की बात करें, ये आपको पूरी लाइटिंग और ये आपको सेमी परगोला डिज़ाइनर बहुत अच्छा दिया हुआ है, पूरा आपको ऊपर फ्रेम लगाकर मिलता है। और ये आपको बार काउंटर, ये आपको सर्विंग काउंटर मिलता है, यहाँ पे अगर आपके कोई बुफे वगैरह लगाना हो तो आप यहाँ पे ही सर्व कर सकते हैं। ये आपके लिए चेयर्स अभी लगी हुई हैं बैठने के लिए, फील लेने के लिए। अल्ट्रा लग्जरी फिनिशिंग आपकी रूफ पे है, अमेजिंग है, मज़ा आ गया। 300 स्क्वायर यार्ड के साइज में दो दो कार पार्किंग और नीचे के अंदर भी आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है फर्स्ट फ्लोर के साथ। ये आपको प्रॉपर लॉबी डिज़ाइन हो रही है और कार पार्किंग की बात करें तो सबको इंडिपेंडेंट बे मिलेगा, एक आपको इधर से, एक दो तीन चार, चारों को अपना सेपरेट बे मिलता है, दो दो कार पार्किंग मिलती है, पूरा का पूरा आपको लॉबी डिज़ाइन होके। ये आपको फर्स्ट फ्लोर के लिए, नीचे का स्पेस आपको फर्स्ट फ्लोर के साथ एक्स्ट्रा है, टॉप फ्लोर के साथ रूफ है, ग्राउंड फ्लोर के साथ ये स्पेस आपको एक्स्ट्रा मिलता है, चारों स्टूडेंट क्वार्टर यहाँ से आपको अटैच मिलते हैं, तो अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। आ जाओ फ्लोर दिखाता हूँ। हाँ जी, वेलकम बैक, फ्लोर पर हम आ चुके हैं। इस तरीके से आपका प्रॉपर मेन डोर है, मेन डोर में येले का आपको डिजिटल लॉक मिलता है, इसको मैंने करा हुआ बंद, थोड़ा सा शोर आ रहा है। तो एंट्री करते ही आपके सामने राइट हैंड साइड पे आपको लॉबी मिलती है, लॉबी के साथ राइट हैंड साइड पे प्रॉपर लिविंग और ड्राइंग रूम का, फर्स्ट बेडरूम विद अटैच वॉशरूम, सेकंड बेडरूम विद अटैच वॉशरूम, थर्ड बेडरूम विद अटैच वॉशरूम, सामने के सेंटर में किचन है आपको और लेफ्ट हैंड साइड में फोर्थ बेडरूम विद अटैच वॉशरूम। ये वॉशरूम भी आपको मिलता है, यहाँ पे कॉमन और अटैच दोनों है, ये आपका हाइड है, इसको हम बाद में आपको दिखाते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने
ड्राइंग रूम से, ड्राइंग रूम में एंट्री करते ही आपको एक पॉजिटिव वाइब नजर आएगी, पूरी वॉल हाईलाइट नजर आएगी, स्टोन फिनिशिंग आपको नजर आएगी, सामने की तरफ जो प्रॉपर वॉल है इसमें पूरा फुल फ्रेम स्टोन का काम किया हुआ है, जिसके साथ हाईलाइट किया हुआ है वो है वुडन फ्रेम के अंदर, वुडन पैनलिंग में, तो बहुत क्लासिक फिनिशिंग में मिलता है। पूरी जो फॉल सीलिंग है, फॉल सीलिंग के अंदर पीओपी का और मॉडर्न टच का दोनों का कंसेप्ट बैलेंस किया हुआ है, अमेजिंग आपको हाईलाइटेड वॉल है, फिक्स्ड वॉल लाइट्स मिलती हैं आपको, और जो इटालियन है वो आप देखें तो उसका काफ़ी ग्रेस नज़र आएगा इस फ्लोरिंग में, बहुत ही अमेजिंग फिनिशिंग है, बहुत माइनर से जॉइंट्स हैं, बहुत ही अच्छा काम किया हुआ, वर्कमैनशिप टॉप नॉच है। ये था इसका ड्राइंग रूम, जिसके अंदर आपको डिज़ाइनर फैंस भी मिलते हैं और एक आपको बिल्कुल उसके साथ मैच करता हुआ शैंडलियर मिलता है, जो लाइट्स है ना उसको कहीं पर भी ऑड नहीं करता, पूरी सिमेट्रिक में ही आपको मिलता है। अब इसमें एक स्पेशलिस्ट क्या है कि पूरा आपको वीआरवी और सेंट्रलाइज्ड एसी नज़र आएगा, यहाँ पे आपको एसी की फिटिंग ओपन नज़र नहीं आएंगी। तो एक चीज़ और है जो अगर है वो है आपको फुल फ्रेम एल्यूमिनियम स्लाइडर्स मिलते हैं। अब हम इसके फर्स्ट बेडरूम चलते हैं, आइए। सेंट्रलाइज जो एसी है उसमें डायकन की फिटिंग है ये सारा। अब हम एंटर करते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम में, सामने की तरफ क्लासिक फिनिशिंग में हाइलाइटेड वॉल, जिसमें आपको स्टोन फिनिशिंग नज़र आ रही है, बट ये वुडन पैनलिंग है, जिसमें आपको इनले वर्क भी नज़र आएगा, और ये आपको बेड की बैक हो गई, जिसमें आपको लूवर्स भी हैं, आपको पार्टीशन भी नज़र आता है, ये आपका वॉशरूम जाने की एंट्री है। अगर हम इस रूम की फील देखें तो उसकी विड्थ देखें तो अगर यहाँ से काफ़ी वाइड है, काफ़ी स्पेशियस है ये आपको फर्स्ट बेडरूम, आपको पूरी वॉल्स पे पेंट नज़र नहीं आएगा, यहाँ पे सटल लुक का वॉलपेपर आपको दिया गया है, काफ़ी बैलेंस मिलता है आपकी वॉल के साथ, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बैलेंस है। और अगेन फ्रंट की बालकनी के साथ इसको एक्सेस मिलता है। शाम का टाइम हो गया, थोड़ा लेट है, डिज़ाइनर लाइट लगनी बाकी है, और ये आपको डायकन का कंट्रोल पैनल पूरा, सेंट्रलाइज एसी आपकी फॉल सीलिंग में, प्रॉपर फॉल सीलिंग, बैलेंस लेआउट, अमेजिंग बिल्ड क्वालिटी, वर्कमैनशिप टॉप नॉच। अब मैं आपको इसके वॉशरूम में लेके चलता हूँ। पूरा आपको स्टोन फिनिशिंग नज़र आ रही होगी, अगर आप देखें स्टोन फिनिशिंग की टाइल्स हैं, बहुत ही माइनर से जॉइंट्स हैं, बहुत प्रीमियम फील, ग्लास पार्टीशन, कॉलर की फिटिंग्स, ऊपर आपको लूवर्स दिए गए हैं। मैं एक बिल्डर से पूछ रहा था कि यार ये लूवर्स क्यों दिए गए हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार ऊपर की तरफ छोटी छोटी टाइल्स आ जाती हैं तो उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं लगती, तो यहाँ पे उन्होंने लूवर्स देके पूरा उसका कंट्रास्ट को बैलेंस कर दिया। नीचे आप देखें स्टोन वर्क, ये पूरा स्टोन वर्क है इटालियन का, अगेन कॉलर, ये फुल फ्रेम आपका मिरर, फोर सेक्शन वार्डरोब्स, अमेजिंग, ये जो चीज़ है ना ये बहुत ही प्रीमियम है, आपका लैमिनेट है इनसाइड वाला, बहुत ही अमेजिंग है, अच्छा है, फैक्ट्री मेड वार्डरोब, स्टोरेज बढ़िया। अगेन इस वॉल पे भी एक मिरर आ सकता था, यहाँ पे आपकी सेंट्रलाइज फिटिंग्स हैं, एक फाइनल लुक, अमेजिंग बिल्ड क्वालिटी यार। अगर आप देखें ना प्रॉपर टीक वुड के आपको डोर्स मिलते हैं, ऐसे डोर्स 10 में से एक साइड पे ही आपको नजर आएंगे, ये जो फ्रेम है ये कभी भी ऑड नहीं होता, फैशन से आउट नहीं होता, आप 10 साल 20 साल 25 साल बाद भी देखेंगे, आपको अपने अकॉर्डिंग पॉलिश करनी है और सेम उसी टच में ये आपको मिलेगा, प्रॉपर टीक वुड का हार्डवुड डोर है, अमेजिंग। अब हम चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम में, जाने से पहले यार ये हाइलाइटेड ये एलिमेंट्स है ना, दिल खुश हो जाता है यार, बिल्डर ने जो काम किया होता है उसका हमें पता चलता है यार, बिल्डर ने छोटे छोटी चीज़ों से ही ना पूरे घर को बहुत ही पॉजिटिव वाइब दी है। तो अब हम इसके सेकेंड बेडरूम में हैं, अगेन बेड की पैक, अमेजिंग वॉलपेपर्स, फ्रेम, मतलब क्या कुछ लोग यार,
बहुत ही अमेजिंग हैंगिंग लाइट्स बैलेंस करती हुई, ये आपको वार्डरोब्स, थ्री सेक्शन वार्डरोब है, मेस्मराइज कर दिया भाई इस लेआउट ने और बिल्ड क्वालिटी ने। ये आपकी वुडन फ्लोरिंग है, ये कोई टाइल नहीं है। इस बेडरूम को सिर्फ और सिर्फ शॉफ्ट की तरफ से वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन नजर आएगा। और ये है इसका अटैच वॉशरूम, ये कॉमन भी रहेगा। ये है आपकी टाइल्स, ये प्रॉपर टाइल्स सीएनसी कटिंग के अंदर, और नीचे एक ग्लास की स्ट्रिप्स हैं, अगेन ग्लास पार्टीशन। वाओ, जस्ट कॉलर की मॉडर्न फिटिंग्स, शॉवर रोज गोल्ड कलर में आपको सारी चीजें नजर आएंगी। रोज गोल्ड, रोज गोल्ड, रोज गोल्ड सारी जगह आपको रोज गोल्ड। इवन अगर आप इसका फ्रेम भी देखें, ये भी रोज गोल्ड में ही है, नहीं तो यहाँ पे आप ब्लैक कलर का बिल्डर गलती करता है। इन्होंने यहाँ पे भी छोटी छोटी चीजों को नोट किया है, ये भी आपका रोज गोल्ड है हैंडल पीस का। नीचे पूरा इटालियन है, एक एक फिटिंग आपकी प्रीमियम टॉप नॉच। तो ये था इसका सेकंड बेडरूम। अभी तक पूरे घर के अंदर आपको कहीं पर भी पेंट नजर नहीं आएगा, क्योंकि सटल लुक में आपको आपको वॉलपेपर पूरे घर में आपको नजर आएंगे सिमेट्रिक में, इसी कलर के अंदर आपको पूरे घर में वॉलपेपर मिलता है। अब हम इसके डाइनिंग के एरिया में एंटर करते हैं। ये है आपका डाइनिंग का एरिया, फॉल सीलिंग बहुत ही रिचनेस में, सिंपल फॉल सीलिंग मैग्नेटिक ट्रेल के साथ, और ये पूरी हाइलाइटेड वॉल है, वुडन पैनलिंग जिसमें आपको मिरर का भी काम मिलता है, आपको फैंसी लाइट्स भी नजर आएंगी। और यहाँ है जो अभी आपको मैं कॉमन वॉशरूम जो दिखा रहा था वो सेम इसी के साथ अटैच्ड है। तो इसको हम करते हैं बंद। तो स्पेस काफ़ी अच्छा है, और ये है आपका किचन। तो अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं बहुत कनेक्टेड है, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल एंट्री पे आपको नजर आए, थोड़ा सा साइड में हटकर है। तो अब हम इसके, ये है इसका खूबसूरत थर्ड बेडरूम जिसकी बैक साइड की बैक है, बहुत ही टॉप नॉच। हर रूम में कुछ नया पैटर्न है जो आपको नजर आएगा, कहीं आपको वुडन पैनलिंग नजर आएगी, कहीं आपको पीओपी का काम नजर आएगा। हर एक वॉल बड़ी बैलेंस करके हर एक रूम को थीम दिया हुआ है। अगेन बेड सेट की बैक है, फुल फ्रेम आपको स्लाइडर्स मिलते हैं। ये आपकी बालकनी, ये आपकी बैक साइड की बालकनी, पूरा काम आपको करके मिलता है इसमें। पूरा जाल कवर किया गया, आर्टिफिशियल ग्रास दी हुई है, आपको पीछे का कुछ नजर भी नहीं आता। और ये चीज़ ना हर बिल्डर करने में कतराता है, यहाँ पे उन्होंने पूरा फुली लोडेड आपको काम करके दिया हुआ है। वीआरवी आपको मिलते हैं, बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छी मिलती है, वर्कमैनशिप बहुत अच्छी मिलती है। इससे लास्ट वाली साइड बेची वो भी बहुत प्रीमियम थी और बहुत ही जल्दी सोल्ड आउट हो। ये है आपको टैब मिलती है, बिल्डर से बात करी जाए तो सिर्फ इसी वॉल पे एक टाइल लग जाए तो सीपेज का काम खत्म हो जाता है। हालांकि ज़रूर वाटरप्रूफिंग की होगी क्योंकि बिल्डर ने कहीं पर भी कमी नहीं छोड़ी है, तो ये प्लस पॉइंट है इस बिल्डर का। अब मैं आपको इसके वॉशरूम में लेके चलता हूँ। यहाँ से जाने से पहले अगेन सेंट्रलाइज एसी, फॉल सीलिंग, ये वॉल मुझे और अच्छी लगी क्योंकि आप देखें इसमें आपको नीश वर्क आपको नजर आएगा। ये है इसका वॉशरूम, अगेन स्टोन फिनिशिंग की टाइल्स है, कॉलर कॉलर नीचे डार्क कलर का स्टोन इटालियन का। ये आपकी हाइलाइटेड वॉल, थोड़ी सी स्टोरेज। ये है आपका पूरा टॉप जिसमें अगेन कॉलर, ये आपका फुल फ्रेम मिरर जिसमें आपको हैंगिंग लाइट एलिमेंट का पार्ट था, ये आपको वैनिटी। और ये आपको मेरे पीछे ये है आपकी वार्डरोब, फोर सेक्शन वार्डरोब है,
यहाँ पे जो है लास्ट वाले बेडरूम में क्रीम कलर में था, ये थोड़ा सा लाइट ग्रे कलर के लैमिनेट में है, और नीचे स्टोरेज अगेन टॉप स्टोरेज, हैंडल्स जो दिए गए हैं वो हैं डोर सेट के, बढ़िया 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 एक नंबर। अब मैं आपको इसके किचन में लेके चल रहा हूं, ये है इसका 300 स्क्वायर यार्ड वाला, 300 स्क्वायर यार्ड में किचन, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड आपकी ड्राई पार्ट है, ये वाला आपका सेक्शन वेट पार्ट में है, ये है आपका कॉलर सिल्वर लाइन की आपका सिंक हो गया, वाइट कलर के अंदर और लाइट ग्रे के अंदर आपको इसका, आपको ये पूरा जो किचन है वो वाइट कलर की प्यू पॉलिश की हुई है आप देखें, और नीचे यहाँ पे देखें तो सामने की तरफ टाइल्स हैं लाइट ग्रे कलर में, और वही उसी टेक्सचर में लाइट ग्रे में क्वार्ट्ज हैं, ये पूरा स्टोन आपको क्वार्ट्ज का, अलेका का आपको फोर बर्नर हॉब है, ये आपको काफ़ी ब्रॉड है, और सेम उसकी चिमनी है, ऑटो सेक्शन ऑटो क्लीन, कहीं कहीं आपको ग्लास वर्क भी नज़र आएगा लेआउट को बैलेंस करते हुए, जैसे कुछ छोटी सी स्टोरेज टू पीस में आपको यहाँ पे नज़र आती है, और सेम आपकी चिमनी के लेफ्ट एंड राइट पे नज़र आती है, तो कुछ ओपन आपको नहीं नज़र आएगा यहाँ पे। हैटिक के आपको सॉफ्ट क्लोजर्स मिलते हैं, बेस्ट पार्ट है, और एक बेस्ट पार्ट और है वो है यहाँ से आपको एक्साइड वाली बालकनी के साथ आपको कनेक्टेड मिलता है, और क्रॉस वेंटिलेशन आपको ज़रूर मिलेगा, इसमें आपको अगेन एलिका का ही माइक्रोवेव और ओटीजी भी मिलता है, तो ये भी आपको बेस्ट पार्ट है। फुली लोडेड आपको किचन मिलता है, ये आपकी पैंट्री अगेन सॉफ्ट क्लोजर्स में, टॉप बिल्ड क्वालिटी वर्कमैनशिप टॉप, ये है आपको डबल डोर रेफ्रिजरेटर का स्पेस, एक अगर ओवरहेड स्टोरेज भी होती तो और स्पेस आपको मिल जाता, बट ये भी इनफ है, और फिनिशिंग टॉप है। अब हम चलते हैं इसके लास्ट बेडरूम में, और ये भी काफ़ी अमेजिंग फील देता हुआ, इसकी वॉल अगेन कुछ और हाईलाइट करती हुई, ये है आपकी बेड की बैक, दोनों तरफ आपके फैंसी लाइट्स हैं, थ्री सेक्शन वार्डरोब आपको यहाँ पे मिलती है, और ये इस तरीके से आपको प्रॉपर प्यू पॉलिश में आपको इसको आपको फिनिशिंग मिलती है। अगर देखें तो ये सिर्फ एक यही अलमीरा है जो आपको आपके स्पेस में हाइड नहीं होती, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ आती है, और नहीं तो पूरा जो बेडरूम है काफ़ी स्पेशियस है, एलसीडी पैनल नहीं है, फुल फ्रेम आपको स्लाइडर्स मिलते हैं, अगेन बालकनी से अटैच आपको ये भी रूम आपको मिलता है, सेंट्रलाइज आपको एसीज हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। अब मैं आपको इसके वॉशरूम में लेके चल रहा हूँ, ये प्रॉपर स्टोन फिनिशिंग की टाइल्स, क्योंकि ये स्टोन लुक में है, टाइल है वैसे, और अगर आप देखें तो पूरी लेयर आपको नज़र आएगी, पूरी ग्रेन्स आपको नज़र आएंगे टॉप टू बॉटम, तो एक लुक में यह पूरा का पूरा स्टोन वर्क ही नज़र आता है। तो ये है अमेजिंग बिल्ड क्वालिटी, लग्जरी फिनिशिंग, प्रीमियम फील, कॉलर पूरा आपको टॉप मिलता है, ये आपको हाइलाइटिंग स्टोरेज भी है और हाइलाइटर भी बन गया कलर्स में, नीचे आपको डार्क कलर का इटालियन, डिसेंट साइज है, अगेन कॉलर है, कॉलर फुल फ्रेम, ये सबसे बड़ा आपका मिरर है इस फ्लोर पे, ये दो आपको हैंगिंग लैंप्स मिलते हैं, ऊपर आपको फैन, ये आपको बेडरूम अगेन एक फाइनल लुक में, अमेजिंग आपकी सामने की बैक है, इस पूरे घर में जो भी बेड की बैक है, जो भी काम किया है हाईलाइट पे, बहुत ही अमेजिंग काम है, सिर्फ इसी वॉल पे मुझे यहाँ पे पेंट नज़र आया, इसके अलावा जितने भी बेडरूम्स हैं उन सब में आपको वॉलपेपर नज़र आया, क्योंकि ये ग्रे कलर के टच में था, तो वो थोड़ा सा ग्रेश नहीं,
हल्का सा लाइट क्रीम कलर के टच में था वॉलपेपर, अमेजिंग लेआउट है, बिल्ड क्वालिटी भी लग्जरी, वर्कमैनशिप टॉप नॉच, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्लोर रेडी करके बिल्डर ने दिया है। तो आई होप ये आपको घर अच्छा लगा हो, और सारे फ्लोर्स इसमें भी अवेलेबल हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी आउटस्टैंडिंग है, और आउटस्टैंडिंग इसका वर्कमैनशिप आपको इसमें नज़र आएगा। वाइब बड़ी पॉजिटिव है। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, टिल देन गुड बाय।